महाराष्ट्र का यवतमाल जिला, जो मूल रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसके इतिहास में ये बरार प्रांत यानी बरार सल्तनत का पूर्वी हिस्सा रहा है। अब 1960 में महाराष्ट्र के गठन के पश्चात यवतमाल महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल है। हम इस वक्त यवतमाल जिले की उस जमीन पर है जिसे पारधी बेड़ा के नाम से जाना जाता है। नाम से ही जाहिर है कि पारधी जनजाति की यह बस्ती है। आज भी रिकॉर्ड्स में इस जनजाति को क्रिमिनल ट्राइब्स मानते हैं। अब लगभग 66 साल बीत चुके हैं हमें आजाद हुए, लेकिन यहां का नागरिक ये महसूस नहीं कर पा रहा है कि आजादी होती क्या है। अभी भी बटर चितर पकड़ के खाते, मगर आप सब खत्म होगा दवाई से। आप बहुत मुसीबत है, हमको जगना भी मुसीबत है। बटेर चितर खरगोश आते थे, वो सब मर गए, खत्म हो गए। आप जाले भी नहीं रहे, कुछ नहीं। आप घर को बैठना, और कभी कभी मांगने को जाते, हाथ पर सब फैलाते लोगों के समूह, वहाँ रोटी मांगते, एक एक दो दो रुपये मांग के ऐसे जीवन जग रहे। सामान्य नागरी सुविधाओं के लिए तरस रहा ये पारधी बेड़ा यवतमाल के दिग्रस की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और नेर से 4 किलोमीटर दूर। लेकिन जब हम पारधी बेड़ा की ओर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी जंगल में घुस रहे हैं। सुधारना तो अभी भी हुई नहीं। ऐसा कि पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा, रास्ते बरोबर नहीं, कोई कर्मचारी आओ कोई आओ आ सकता नहीं, और वो सब आता है। बाकी सहूलत भी हमको कुछ मिला नहीं अभी तक। यहाँ गांव करके नहीं था, कम से कम इसको 45 साल के ऊपर हो गए, उतने साल यहाँ रहने को हो गए हमारे। जैसा जन्मभूमि का होगा, बच्चे 12-12 भी पढ़े, अच्छा लड़कियाँ वो भी 12वीं पास है, 5-7 लड़कियाँ है, 10-12 छोक पुट्टे है, निरे खाली है। तो ऐसा चल रहा, क्या गवर्नमेंट का हमारा कोई लाभ मिलता नहीं, इसके वजह से ऐसा अंधारे में पड़े हुए। विकास की अवधारणा में ये जगह किस स्थिति में है ठीक से कहा नहीं जा सकता। हम आज भी देख सकते हैं कि यहाँ आम जनजीवन आज भी अपनी रोज की रोटी के लिए शिकार पर ही निर्भर है। पारधी बेड़ा के ये लोग अपने फांस उठाए चले हैं जंगल की ओर, यही इनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है। लेकिन वन्य जीव संरक्षा अधिनियम के चलते अब ये काम लगभग बंद हो गया है और जंगल भी कम हो जाने से पारधी अपने जीवित का संघर्ष कर रहा है। आता 60 वर्ष से वो लागले तवापासून हमारे पानी तो पोस नहीं होता। लई लई दूर हमें पोसावर पानी भरून आलो, ते पानी गुंधिल पानी आम्ही पेऊन जगलो या जागावर। 10वीतली लेकर 12वीतली पोरी, 10वी 11वीतली पोरी, 9व्या वर्गात पोरी अशा परत आमच्या जागोत जागीत केल्या, पण ते लोकांना आमच्यावर लक्ष दिले नाही साहेब। ज्या वक्त शिकार होती बी ते बी शिकार आमची हरपली। याच्यानं शेतीवाडी 1-2 एकर आहे, त्याच्याजवळ आम्ही मदत केऊन ते खाऊन जगून आहो। आमच्या लोकाले कोणी कागदपत्र करायला जातो न, ते कागदपत्र बी आमचे फेकून देते। मग याच्यासाठी लेकराले म्हणतो का तुम्ही करा, तुमचे लेकरं शिकवा, काहीतरी गव्हर्नमेंट आपल्याला कोणी साथ देईन, कोणीतरी आपल्या इकडं पाहीन, याच्यासाठी मदत करीन। पण आमच्या इकडं लोक कोणी येऊन बी नाही पास आहे, शिकारीवर पोट होतंच आहे आमच्यावालं, ते शिकार तो बंदच झाली, मग पोट आता खावाई काय। असं आमच्यावर लक्ष ठेवाई, सरकार लोकांना मदत कराई, आमच्या लेकरं 12 शिकू शांत काय बापा। हमारे यहाँ जल, जमीन
और जंगल, इन तीनों स्रोतों पर चर्चा बड़े जोरों से चलती है। लेकिन ये तीनों स्रोत यहां नदारद है तो जीवन चलेगा कैसे? ये गड्ढा जिसमें बोरवेल का पानी जो निकलता है और यहीं जमा हो जाता है, कुछ बारिश का पानी भी यहीं रुक जाता है, और ये एकमात्र स्रोत है इस पार्थी बेड़ा का जो इनके नहाने धोने की व्यवस्था बनाता है। पंडाल की सुधारना तो अभी भी हुई नहीं, ऐसा कि पानी का प्रॉब्लम ज्यादा, आंग नहीं धुआ तो वो भी बो जाता, चीची फोपो लोग करते, क्या करेंगे क्या? यहाँ से सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की। पार्थी बेड़ा आज भी इस बात से खासा परेशान है कि सामाजिक व्यवस्था में अपने सहज जीवन को यापन करते हुए उन्होंने कभी किसी को छला नहीं, फिर भी उन्हें गुनहगार क्यों माना जाता है? कहीं भी कोई अपराध घटित हो जाए इन्हें ही क्यों परेशान किया जाता है? पारदी समाज है, ऐसे वैसे रहने वाले है, चोर है, ऐसे लुटेरे है। हालांकि हमारा समाज ऐसा नहीं है, विचार करते रहेंगे कि ये समाज इतना प्रामाणिक है। झोड़पेस बसवते हमारे ऐसा नहीं कि पारधी मेहनत से कतराता है, फिर भी ये अपने जीवन का अधिकार अभी तक नहीं पा सका। शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर ये पारधी बेड़ा मानता है। शिकार करना है, ये जो धंधा है हमारा, ये धंधा अब सब बंद हो गया। अब हमको पढ़ाई करना है, हमको अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाना है, अच्छा होना है। हालांकि हमारी इच्छा है पढ़ाने के लिए, हम कर सकते हैं। हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या रहती है, गांव में पहले तो हमको लाइन नहीं रहती, लाइन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। लाइन नहीं रहती तो हमारे बच्चे जो आते हैं घर को, तो उनको कैसा है कि उनको अभ्यास करने को नहीं मिलता है। अगर हम पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, तो हमको थोड़ा सा बच्चे को दो मिनट आधा घंटा जो बैठाने का है वो भी लाइटिंग नहीं रहती है। इसलिए कैसा है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या है लाइन नहीं है, बात टेम्बे पर लगाना, जो रॉकेल मिलता है हमको रॉकेल नहीं मिल जाता है। हमारे बच्चे इतने अच्छे बच्चे रहते हैं कि उनको मिलिट्री में भेज दो, वो जाने को तैयार है। वो बच्चे को पुलिस भर्ती में ले लो, वो भी अच्छा हो जाता है, वो भी रनिंग में अच्छे रहते हैं, जो फिट रहे उसमें मेडिकल ले जो सब फिट रहता है। हालांकि उसको निकाल दे कहाँ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है। हाथ मजूरी कैसे करते हैं, अब 200 रुपये लाए तो हम हफ्ता का जो काम करते हैं, काम करने वाले 200-400 रुपये कमाते हैं, हमारा जो बाजार हाट हो जाता है, तेल मीट हो जाता है, उसमें हमारा पैसा चल जाता है। जो खाना पीने का जो पैसा चल जाता है वो भी चल जाता है। बच्चे पढ़ाने तो कैसा पढ़ाने का, देखा दे जो शासकीय हॉस्टल है उसमें हमारे बच्चे को फॉर्म भर दिया तो नहीं बोलते, हमारा स्टॉक तो पहले ही फुल होगा बोलते, तो हम कैसे ले बोलेगा तुम्हारे बच्चे को? अरे हम पारदी समाज के बा, हमारे बच्चे ले हो तो हमारे को धुड़क देते हैं लोग, वो बच्चे को निकाल देते हैं। नहीं बा तुम्हारे इंटरव्यू में तुम फेल हो गए, तुम चल जाओ घर को, इतने नाराज हो जाते हैं। समाज सुधारने को तैयार है पर समाज के लिए जो फैसिलिटी है फैसिलिटी नहीं मिल रही है आज तक। जब हराड सर आए तो वो करते रहे लाइन लाइट ये वो करते रहे, वो भी सर की अब बदली हो गई। जैसे हम ये गिर गए, किससे जाके मिलना ये भी समझ में नहीं आता। उतना एक मास्टर था, हिम्मत थी, वो टीचर के सामने हमने हमारा कुछ नहीं था तो वो बताते थे कि बाकी आप ऐसा थोड़ा 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 थोड़ा।
वैसे तो पारधी घुमंतु ही रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद कुछ टोलियां एक जगह रुक गई। यवतमाल के इस मुकिंदपुर में ये बेड़ा पिछले 50 साल से ठहरा हुआ है। शिकार कम हुई तो ये जंगल साफ करके खेती करने लगा। भले ही अब तक इन्हें कोई जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं, लेकिन अपनी जरूरत की उपज वो यहां से ले लेता है। फिर भी ये बात कोई छुपी नहीं कि खेती किसानी प्रकृति और मौसम पर निर्भर करती है, और इनके पास तो कोई सुविधा ही नहीं। झोड़पेस बसवते हमाले मग आमच्या घरचे लई परेशान झालं पापा। शेतीमध्ये गेले तो शेती भी नाही पिकली। 2 लाख रुपयाचं कर्ज झालं, ते कर्जवाले भी आम्हाला झोडप होते। ते मग ये उन्हाळ्यात आमच्यापाशी पैसेच नाही, मग कोणी जाते शेतीमध्ये। मेट्रोपॉलिटियन सिटी की ओर बढ़ता विकसनशील भारत और विकास के मायने खोजता अर्धविकसित भारत, इन दोनों का फर्क स्पष्ट रूप से यहाँ देखा जा सकता है। ये अम्मा यहाँ खुले में ही खाना बना रही है। इस तो झोपड़ा है बाबा, काई नहीं मागे। ९९६ के आसपास यहां एक स्कूल खोला गया। ये बच्चे, इनका भविष्य संवारने की कोशिश यहां जरूर हो रही है। कुछ शिक्षक जो विद्यादान के लिए समर्पित हैं, पारधी बेड़ा संभाल रहे हैं। पारधीपोड़ मुकिंदपुर स्कूल पर पहली और तीसरी को पढ़ाता हूँ। यहाँ 100% पारधी लोगों के बच्चे हैं। वो यहाँ स्कूल में 1 से 4 तक 31 बच्चे काम पढ़ते हैं। हर रोज की उपस्थिति 100% रहती है। यहाँ अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पढ़ते हैं और खेलकूद में भी वो आगे है। यहाँ स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई में बच्चे लगन से पढ़ते हैं। लोग खेल खेल में शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ शिक्षक बच्चों को खेलते खेलते पढ़ा रहे हैं। देखते हैं कि ये शिक्षक क्या कहते हैं। नेर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये पारधीपुर स्कूल है। इस गांव में पूरे बच्चे पारधी समाज के हैं। एक जो शिक्षक है उसको जो अपन आदर्श शिक्षक बोलेंगे वो है सम्माननीय लक्ष्मण राव जी धोरे सर। वो इस गांव में 5 साल तक रहे और उन्होंने बच्चों को जो शिक्षा दी वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो धोरे सर सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी स्कूल की जवाबदारी मेरे ऊपर और शिंदे सर के ऊपर दी गई। पानी की व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था हमने किया है। शौचालय है यहाँ पे, 2-2 शौचालय है कमोड सीट के साथ। यूरिन पैन है। जो अपंग हैंडीकैप चिल्ड्रेन रहते हैं
उसके वास्ते रैंप्स हमने बनवाया है। वो प्रशस्त मैदान यहाँ पे हैं, उसमें हम कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और झूला वगैरह पूरा खेल बच्चों को खिलाते हैं। ज़मीन के ऊपर 100 फीट के ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा है पहाड़ जैसा ये, तो यहाँ पे हमने जो वृक्षारोपण किया है पूरा वृक्षारोपण यहाँ पे है। टोली और परिवार की हालत चाहे जो हो, लेकिन बदलाव की हवा को छूते ये बच्चे अब शिक्षा की ओर बढ़ जरूर रहे हैं। मैं नेर में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर का कोर्स करना चाहता हूँ। अब मैं अगर 12वीं आगे पढ़ा तो मैं मुझे देख के और लोग पढ़ेंगे, फिर मेरा समाज ऐसा है कि इसमें कोई पढ़ता नहीं। अगर मैं पढ़ा तो मुझे देखकर और लोग पढ़ेंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, फिर मेरे समाज को कोई कमी नहीं पड़ेगी। मन मजा ही शिकु नहीं दे। मिलो दूर से पानी आता है और तब कहीं प्यास बुझती है। मैं 12वीं रामदास होटल मध्ये शिकली। माझी आई का सांगते कि लग्न करून टाका, पण मला करायचं नाही, मला शिकायचं आहे, काहीतरी बनायचं आहे, पण लोक सांगतात म्हणून माझी आई शिकू नाही देत। सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ईश्वर मेरे स्कूल का नाम है ईश्वर देशमुख मिलिट्री स्कूल सैनिक शाळा सावंगा दिग्रस। मैं पढ़ना चाहता हूँ और सबके आगे जाना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करूँगा। उम्मीद है और शायद उम्मीद पर ही दुनिया भी टिकी हुई है। शिक्षा की ये ललक इन बच्चों में है और यहाँ शिक्षा की जो अलख जगी है तो लगता है कि पारधी बेड़े का नक्शा बदल सकता है, लेकिन अपनी सामान्य जरूरतों के लिए कड़ा संघर्ष करता ये जीवन किस ओर जाएगा। अंगा मोरा खतरी पटाते खा पाले नहीं है, ते पहले नहीं है, सारा गाते रोड़ा निघाले, हमचा गाते रोड भी नहीं, एक हफ्ती है पानी, एक हफ्ती सर्व हे गाँव जगन का त्याड्यातली पोरं जाते, त्याला आंघोळ करायला पाणी नाही, आदिवासी लोकाले काय मग ते फुकट नोकर लागते, फुकट नोकर लागते, फुकट तो नाही पण इतकाचीच गोष्ट सांगते। मग आम्ही कुठून देऊ पैसे? गरीब लोक शेती एक एक दोन दोन एकर आहे, त्या दोन दोन एकर पोटाले खाऊ का ते शिक्षणवाल्या पोराले पैसे भरू आम्ही साहेबा लोकाले? मतदानले चला चला चला, आमच्या कोण लोक सरकार लोक निभून आहे ना, आम्हाला काव नाही निभवत, शिकार भी बंद केली। ह्या दिवसाचे बाट्या गिट्या धरायला जाते, अय निघा चोरी करायला आले, निघा काड्या घेऊन येते आमच्या मागे। शिकारीचा धंदा शेतकरी लोक बंद करून राहिले, मग गरीब लोक आम्ही कुठून जगू? सरकार तर काहीतरी मदत देवाय आम्हाला। आता सोयाबीन पिकले नाही, सोयाबीनची केशी आम्ही टाकली आहे, आमच्या सोयाबीन तमाम जळून गेले, आम्हाला त्याचा लाभ काहीतरी सरकार लोकांना मदत केली पाहिजे। मुकिंदपूर का ये पारधी बेड़ा आवागमन के लिए या तो कोसों दूर पैदल चलता है या फिर पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल करता है और पास से गुजरती बस उसे चिढ़ाकर गुजर जाती है। आमच्या बापावले चार चार पांच पांच पोरा है, दोन दोन एकर वावर है, काय करू शकन, काय भेटू शकन आम्हाले? सरकारने सांगितलं आहे वावर भेटते बा, हे भेटते बा, पण आमच्या पारध्यापाशी एकापाशी वावर गिवर काही नाही दिले आतापर्यंत कोण। सर्व कागदपत्र जाते तिथपर्यंत जाऊ शकते, पण तिथून काही कामं होऊ नाही शकत। एस टी गिष्टी वगैरे हे थांबू नाही शकत, एसट्या म्हणजे आम्हाला कोणी विचारच नाही करत। इतनी बड़ी टोली जहां इंसान रहते हैं और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं। मिलो दूर से पानी आता है और तब कहीं प्यास बुझती है, लेकिन विकास की योजनाओं की बात इस टोली की चर्चाओं में आती जरूर है।
योजना दिलेली आहे ते पण नाही सुरू राहिली. आमचे मुलं 10वी ते 12वी शिकलेले आहे, त्यांची कास्ट आणि व्हेरायटीज त्यांच्या सर आम्ही कागदपत्र पोचवले तिथपर्यंत, तर आमचं आजपर्यंत रिझल्ट नाही लागलेला आहे. दुसरे समाजचे एस टी कॅन्टीनमध्ये बसलेले आहेत ते पण दुसरा आमचा फायदा उचलून घेत आहे, आमच्यापर्यंत योजनेचा लाभ नाही मिळत. घनघोर अंधेरा जहां होता है वहां प्रकाश का महत्व भी होता है, लेकिन यहां शिक्षा को यदि उजाला माने तो यहां की परंपराएं निश्चित ही अंधेरा है. जब मेरी शादी होने की थी, छोटी थी, मुझे पढ़ना था और मुझे पुलिस में भर्ती होना था. मेरा सपना था, एक ख्वाब था. तीन बहनियां थी मेरे घर में और मेरे चार ही भाई पढ़े हुए और मैं अकेली पढ़ी हुई. मेरे दो बहनों को पढ़ाया नहीं क्योंकि हमारे लोक में समाज में लड़कियां पढ़ने से मना करते थे. ऐसे बोलते थे कि दूसरे समाज के लड़कों के साथ ये लड़कियां छेड़छाड़ करके भाग जाएगी, इसलिए लड़की को पढ़ाना मना था. गांव के लोग बहुत कहते थे कि वो भाग जाएंगी, सर के साथ बोलती है, किसी के साथ हंसती है, तो ऐसे बहुत जलन होती थी. तब भी उतना सहन करते हुए भी मैं 12वीं पढ़ी और मेरी शादी भी होने वाली थी 10वीं में, तब मैंने मना कर दिया. मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे पैर पर खड़ी हूँगी जब शादी करूँगी, पर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे. अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ. मेरे ससुर जी ने मुझे पर्यावरण का डीएड कराया, 12वीं होके एक बरस सीखाए शादी होके पर भी, तो उसमें मुझे 76% मिले. फिर मेरे पास कुछ लाभ भी नहीं है और किसी का सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसी यहाँ रहकर खेती करती हूँ. अभी भी मेरे ऐसी तमन्ना है कि जैसे हम पढ़ी है वैसे दूसरी लड़की को पढ़ाना चाहिए हमारे समाज में. तब भी मैं बोलती कि पढ़ो, तुम नहीं लगी, मैं भी नहीं लगी, अपने बच्चे की सुधारक करेंगे. आप पढ़कर बता सकते हैं यहाँ वो डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ चपरासी बैठा है, ऐसे इसलिए पढ़ना चाहिए. कोई धंधा करना चाहते हैं इसलिए पढ़ना चाहिए. ये पार्थी बेड़ा अपने पारंपरिक धारणाओं से भी लड़ रहा है, जिद है इसमें आगे बढ़ने की. जो पारधी बच्चों स्नान नहीं करके आते हो तो हम यहाँ पे स्नान करवाते हैं. वो पूरा परिपाठ जो राष्ट्रगीत, अंग्रेजी की प्रतिज्ञा, भारत के संविधान, सुविचार, थॉट्स ऑफ डे, दिन विशेष, ये पूरा बैंड पर परिपाठ होता है हमारा. पारधी समाज की संपूर्ण कार्यशाला यहाँ पे लगाई थी. प्रवाह के बाहर जो हमारे भटकिया आदिवासी समाज के जो छात्राएं है उनकी जो सर्वांगीण प्रगति है वो मेरी प्रगति है. उम्मीद करते हैं कि नागरी विकास की चकाचौंध में पारधी पीछे न छूट जाए, जीवन विकास की ये डोर बीच में ही ना टूट जाए. Thank you.